वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना। कहा, आर्थिक मोर्चे पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आने वाले 10 महीनों तक रखना होगा सभी विकल्पों को खुला। केंद्र सरकार ने कहा, लॉकडाउन की वजह से देश में बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना से प्रभावित होने से बचाया गया। एक अध्ययन के अनुसार 2 लाख से अधिक लोगों की बचाई गई जान। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, कोरोना वायरस के मामलों में दूसरे देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर। संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर है 41%। रेपो रेट में आरबीआई की कटौती के बाद सस्ता हुआ कर्ज। ईएमआई के लिए 3 महीने की और मिली मोहलत। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है, जिसके तहत किसान अपनी फसल देश भर में किसी भी खरीदार को बेच सकते हैं। दूरदर्शन को दिए विशेष साक्षात्कार में वित्त मंत्री ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अगले 10 महीनों तक सभी विकल्प खुले रहेंगे। लॉकडाउन बीइंग इन प्लेस इवन नाउ द इकॉनमी एंड इट्स रीस्टार्ट वी कैन गिव ऑल दीस पैकेजेस बट इट स्टिल मींस वर्कर्स हैव टू गेट बैक टू वर्क। आर दे ऑल गोइंग टू बी माइग्रेंट और आर दे गोइंग टू बी लोकल वर्कर्स सब्स्टिट्यूटिंग फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स एंड व्हेन द वर्कर्स कम बैक how is it that the companies are going to readjust with them? So there are lots of questions of adjustment, of restarting. So we'll have to wait for it. I will keep all my options open so that the next 10 months goes with a reassurance that the government is there ready to help. वित्त मंत्री ने कहा, हमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनिया के लिए दरवाजे बंद कर दें। मेनी ऑफ व्हाट वी नाउ इंपोर्ट शुड बी पॉसिबली मेड विद इन द कंट्री बट दैट डजंट मीन दैट वी आर सेइंग वी आर गोइंग टू बी इनवर्ड लुकिंग। दैट डजंट मीन दैट वी से वी डोंट वांट एनीथिंग एट ऑल फ्रॉम आउटसाइड। वी विल स्टिल हैव टू इंपोर्ट दोज इंटरमीडिएरी गुड्स व्हिच हेल्प अस प्रोड्यूस बोथ फॉर द कंट्री इटसेल्फ एंड ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट्स। सो एंड ऑल्सो We still have to export. केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से देश में बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना से प्रभावित होने से बचाया जा सका है। सरकार ने एक अध्ययन का आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि देश में लॉकडाउन की वजह से सरकार करीब 2 लाख लोगों की जान बचा पाई है और 70 लाख लोगों को कोरोना से संक्रमित होने से बचाया जा सका है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा, इन लोग ने भी एस्टिमेट किया है, 2 सिनेरियोज लिए हैं कि रिप्रोडक्शन रेट कैसे चेंज हो रहा है। उसके बेस पे इनके जो आंकड़े आ रहे हैं, 36 लाख से 70 लाख के केसेस हो सकते थे अगर लॉकडाउन नहीं होता। दूसरा, फिर हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया था, इन लोग ने भी एस्टिमेट किए। इन लोग ने डेथ पे फोकस किया है तो डेथ रेट के हिसाब से इनके हिसाब से ये जो आ रहा है करीब 78,183 डेथ्स अवॉइड किए हैं। 2 इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, ब्रॉडली ये बता रहे हैं कि करीब 23 लाख केसेस को अवॉइड किया है, मतलब जो अभी हमारे जो आंकड़े हैं उससे उसके जगह पे 23 लाख और बढ़ता और डेथ्स थे करीब 68,000 और होते कंपेयर टू 3,000 और जो हमारे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि कोरोना वायरस के मामलों में दूसरे देशों की तुलना में भारत की स्थिति काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर 41% हो गई है। मुझे लग रहा है कि आज भारत बेहतर है, दुनिया के पैमाने पर भी भारत बेहतर है। आज 41% हमारा रिकवरी रेट हो गया है, जो पहले हम 10% 15% बढ़ते बढ़ते आज 41% रिकवरी रेट हो गया। और अभी हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलिटी रेट भी जो है भारत का अच्छा है और 3.1% फर्टिलिटी रेट है और 13-14 दिनों में डबलिंग हो रहा है, दुगुनी हो रही। तो एक मिला जुला करके हम अच्छी स्थिति में हैं और अब कोरोना वायरस का कोविड के साथ ही हमें अपने आर्थिक और अपने सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों को हमने डिजिटल इंडिया का भी बहुत प्रयोग किया है और कर रहे हैं। तो इन सब से
आगे हमें उस प्रकार के जीवन जीने का अभ्यास करना है। इसके साथ ही स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना एक गेम चेंजर का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हर जगह टेस्टिंग की सुविधा पर खासा जोर दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत एक गेम चेंजर का काम कर रहा है और आने वाले दिनों में हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ आयुष्मान भारत का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अलावा जो देश भर में 1.5 लाख जो हमारे सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो बुरी हालात में थी उसको हमने 2022 तक और 1.5 लाख सेंटर हेल्थ सेंटर को हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने जा रहे हैं। 1,80,000 से भी ज़्यादा बेड्स हमारे कोविड के स्पेशल डेडिकेटेड बेड तैयार होंगे हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में। उसके अलावा जो छोटे सेंटर हैं हेल्थ सेंटर वहाँ भी हम लोगों ने लगभग 242 सेंटर सामने खड़ा किया है। कोविड 19 का असर अर्थव्यवस्था पर कैसे कम किया जा सके इसको लेकर आरबीआई की मौद्रिक नीति की समिति ने 3 दिनों की बैठक की। बैठक के दौरान सदस्यों ने आर्थिक स्थिति पर गहन चर्चा की, फैसला किया कि कर्ज और सस्ता किया जाना चाहिए, लिहाजा आरबीआई ने मुख्य ब्याज दर यानी रेपो दर में कमी का फैसला लिया। रेपो दर में 0.4% की कटौती की गई है, अब ये 4% के स्तर पर है, यानी कि बैंकों को आरबीआई से अब केवल 4% पर कर्ज मिलेगा। इसी तरह से रिवर्स रेपो दर में भी 0.4% की कमी की गई है और ये 3.35% पर है। 40 basis points from 4.4% to 4%. Consequently, the MSF rate and the bank rate now stand reduced to 4.25% and reverse repo rate stands reduced to 3.35%. इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने कर्ज की किश्तें चुकाने के लिए छूट 3 महीने के लिए और बढ़ा दी है। 3 months moratorium allowed on the term loans. We allowed certain relaxations and associated measures. In view of the extension of the lockdown and continuing disruptions on account of COVID-19, the above measures are being further extended by another 3 months from 1st June till 31st August, taking the total period of applicability of the measures to 6 months, that is from 1st March to 31st August 2020. This will provide considerable amount of ease and this will facilitate easier cash flow management by the borrowing entities. प्रदेश सरकार ने 6 महीने तक के लिए किसी भी तरह की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। भत्तों को समाप्त करने के खिलाफ कई कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रतिक्रियात्मक नाराजगी व्यक्त करने के बाद सरकार ने राज्य में तत्काल प्रभाव से आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून ऐस्मा अगले 6 महीने के लिए लागू कर दिया है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और कार्मिक मुकुल सिंघल ने कहा कि हड़ताल पर रोक के बावजूद यदि कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के रेडियोथेरेपी विभाग का कैंसर पैलिएटिव केयर वार्ड पूरे लॉकडाउन पीरियड में लगातार कोरोना वॉरियर के रूप में काम करता रहा है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने बताया कि ये रेडियोथेरेपी विभाग जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से कैंसर पीड़ितों के लिए दिन रात काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था जीव दया फाउंडेशन के सहयोग से अनवरत लाइलाज कैंसर पीड़ितों का भी इलाज किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में इन मरीजों का कैंसर के मरीजों का इलाज करने में पूरी की पूरी कोरोना से सावधानी बरती जा रही है। पहले सबसे पहले हम कि अपनी ओपीडी से ही पेशेंट को स्क्रीन करने के बाद में हम अपने वार्ड में लेते हैं कि पहले पेशेंट वहां से बिल्कुल फिट हो करके कि जब कोरोना की तमाम हिस्ट्री और उसकी जाँचें हो जाती हैं तब हम इस तरह के पेशेंट को अपने वार्ड में लेते हैं। जो पैलिएटिव उसमें है कि जो नॉन क्यूरेबल होते हैं जिनका कि बहुत ज़्यादा सटीक इलाज नहीं होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि इसमें हम एक जीव दया फाउंडेशन की तरफ और हमारे चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से जो हमें फैसिलिटी दी गई हैं उसके माध्यम से उन मरीजों का हम इलाज कर रहे हैं और यहाँ आने पर पूरी की पूरी उनकी सावधानी बरती जाती है उनके अटेंडेंट को भी मरीज को भी और जो हमारे पास में पैलिएटिव केयर वार्ड में हैं वहाँ पर वाइटल मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू और हमारे जो डॉक्टर्स
और स्टाफ है वो पूरा का पूरा उन मरीजों का ध्यान रखती है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण चल रहे लॉकडाउन में मनरेगा योजना आजमगढ़ में ग्रामीणों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है। जनपद में मजदूरों को मनरेगा के रूप में जीविकोपार्जन का एक सशक्त माध्यम मिला है। जनपद के सठियां विकासखंड के बिंद मठिया गांव में चक्रोड का निर्माण कर रहे प्रवासी मजदूरों ने बताया कि इस लॉकडाउन में भी काम करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। मनरेगा उपायुक्त वीबी सिंह ने बताया कि जनपद की 1873 ग्राम पंचायतों में से 1743 गांवों में 90,178 मजदूरों को काम दिया गया। जनपद में 40,000 में से 12,000 प्रवासी मजदूरों को काम दिया गया है। जैसे ही अन्य प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन से बाहर आते हैं उन सभी मजदूरों को हम काम देंगे और 1,00,000 से अधिक मजदूरों को मनरेगा के तहत काम देने का लक्ष्य है। आजमगढ़ में आज की डेट में 1871 ग्राम पंचायतों में हमारे यहाँ इसमें आज की डेट में 1745 गांव में काम चल रहा है, जिसमें कि 90,178 लेबर काम कर रहे हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में मैं बहुत जल्द ही सभी गांव में काम चलाकर मेरा टारगेट है कि 1,00,000 से ऊपर हम प्रतिदिन श्रमिकों को काम दें, जिसमें कि अधिकतम हमारे जो है प्रवासी श्रमिक हैं। आज की डेट में जो भी 40,000 हमारे जनपद में आए हुए हैं प्रवासी श्रमिक, उनमें से हम 12,000 लोगों को नियोजित कर चुके हैं और शेष जैसे ही क्वारंटाइन से बाहर निकलते हैं उन सबका भी मनरेगा के तहत जाकर नियुक्त कराते हुए उनको काम देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन कराते हुए मैं सभी श्रमिकों को जो है जो भी कार्य की मांग करेंगे उनको रोजगार देंगे। नाम दिनेश सरोज है, हम नरेगा पे काम करते हैं। हमको यहाँ पर काम मिला है, बाहर से अच्छा ही है, इधर ये बढ़िया है। बाहर लॉकडाउन में जाना ही नहीं पड़ता है, गांव में मिलता है, गांव में ही कर देते हैं। नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। मेरा नाम हरिचंद है, हम बिंदवाठिया के निवासी हैं। हमको नरेगा में काम मिलता है और नरेगा में सड़क में और पोखरी में काम मिलता है। मोदी जी को धन्यवाद। जनपद बलरामपुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मिल रहे निःशुल्क राशन और प्रतिकार 1 किलो चना मिलने से गरीबों को खाद्यान्न की समस्या से बड़ी राहत मिली है। जिले के 9 विकास खंडों के 3,21,741 कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो चावल निःशुल्क दिया जा रहा है। राशन की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों के हाथों को सैनिटाइज करने के बाद पॉश मशीन पर अंगूठा लगाकर राशन दिया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान मजदूरी और अन्य कामों में दिक्कत होने से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मिल रहे निःशुल्क चावल और चने से गरीबों के चेहरों पर खुशी है। ग्रामीणों ने बताया कि इस राशन से हमें बड़ी सहूलियत मिली है, हमें खाने की कोई कमी नहीं होगी। ग्रामीणों ने राशन मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम मोहित शर्मा है, इसलिए मुझे फ्री में राशन दोनों बाद ही दिया जाता है और प्रधानमंत्री के योजना से ही मुझे सब राशन फ्री दिया जाता है। नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद देता हूँ। नरेंद्र मोदी द्वारा फ्री में गल्ला मिलता है, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ। इस समय जो कोरोना वायरस चल रहा है इसकी वजह से यहाँ पे जो भी मजदूर हैं, किसान हैं, सब परेशान हैं। इसलिए मोदी सरकार ने एक योजना जो चालू किया राशन का, जो फ्री राशन दे रही है, इसलिए हम मजदूरों का बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमें उन परेशानियों से लड़ने की उत्तेजना दी गई इससे, इसलिए मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया ये राशन वितरण का कार्य बहुत ही अच्छा है और हम लोग लॉकडाउन में इतना मिल रहा है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ। वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप के बीच भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने का सिलसिला जारी है। लखनऊ में कल देर रात तीसरी फ्लाइट कुवैत से पहुंची, जिसमें 143 यात्री उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे।
इससे पहले शारजाह से 182 और मलेशिया से 45 यात्रियों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लाया जा चुका है। इन सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर जांच के बाद क्वारंटाइन सेंटरों में भेजा गया है। जो यात्री होटलों का किराया दे सकते हैं उनको लखनऊ की होटलों में क्वारंटाइन किया गया है, जबकि जो पैसे देने की स्थिति में नहीं है उनको सरकार द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों में भेजा गया है। वैद्य से जो लोग आ रहे हैं 129 यात्री हैं और ये लखनऊ में आ रहे हैं। जो अगर पेड क्वारंटाइन में जाना चाहेंगे तो इनको होटल्स में भेजा गया, अन्यथा जो फ्री क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है शासन की तरफ से वो एसकेडी अकेडमी वृंदावन में की गई है। यहाँ पे जो व्यवस्था है कि जैसे ही वो लोग उतरेंगे उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, मेडिकल चेकअप होता है, उनसे डिक्लेरेशन भरवाया जाता है और उसके बाद में इमिग्रेशन के बाद में वो लोग बाहर आते हैं और बाहर फिर बसेज के थ्रू इनको जो इनके क्वारंटाइन सेंटर्स हैं पेड या फ्री क्वारंटाइन सेंटर उनमें ले जाया जाता है। बाराबंकी ज़िले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है। करीब 60 दिनों से जारी इस लॉकडाउन में गरीब और मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन कार्ड के प्रत्येक सदस्य को मुफ्त में 5 किलो चावल और हर परिवार को 1 किलो चना देकर गरीबों को सीधे राहत पहुँचाई जा रही है। ज़िले के पैसार देहात निवासी गीता, सतीश और ब्रजेश के परिवार का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क मिलने वाले राशन से भरण पोषण हो रहा है। लाभार्थियों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते काम बंद हो गया है जिससे आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी थी। ऐसे में सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाला निःशुल्क राशन परिवार और बच्चों का पेट भरने के लिए काफ़ी लाभकारी साबित हुआ और अब खाने के संकट से काफ़ी हद तक निजात मिली है। इसके लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय लॉकडाउन में राशन पानी की काफ़ी समस्या हो रही थी, दुकानें बंद थी, बाज़ार बंद थे, इसलिए मोदी जी ने जो फ्री में राशन देके बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हम अपने घर के 4 लोग हैं, इसलिए हमें 20 किलो राशन और इस बार से चना भी मोदी जी ने दिया है। ये काफ़ी अच्छा प्रयास है उनका और उनको काफ़ी उनको धन्यवाद। महामारी फैली है कोरोना की, इसकी वजह से जो लॉकडाउन हुआ इसमें हम लोगों को खाने पीने की बहुत दिक्कत हुई। मोदी जी का धन्यवाद है कि उन्होंने 25 किलो पर राशन दिया। हमारे 5 यूनिट हैं, हमारे 5 यूनिट 25 किलो 1 किलो चना मिल रहा है। मोदी जी धन्यवाद। लॉकडाउन के करीब 2 महीना हो रहे हैं जिसमें हम सभी को परेशानी हो रही थी, जिसे मोदी जी ने निःशुल्क राशन दे करके बड़ा अच्छा कदम उठाया है। हम लोगों को राशन फ्री मिल रहा है, इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन की वजह से हमारे यहाँ गरीबों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, कुछ लोग बाहर से भी आ रहे थे, कुछ लोग यहाँ के थे जिनको राशन की बहुत ही दिक्कत थी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये पर यूनिट 5 किलो चावल और अभी पर यूनिट इस महीने से चना भी दे रहे हैं पर कार्ड पे 1 किलो, और इससे जो है हमारे गरीबों को बहुत ही सुविधा हो रही है, हमारे कार्डर को सुविधा हो रही है। 2 महीने से हम लोग बांट रहे हैं, 3 महीने तक की था ये, अभी हो सकता है आगे और बढ़े, आगे भी हमारे कार्डर को मिलता रहेगा। इसलिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत ही अपने हृदय दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। लॉकडाउन के बीच पहली बार गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही विकास परियोजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोरोना से संक्रमित मरीज को इलाज मिलने में थोड़ी भी देरी नहीं होनी चाहिए, क्वारंटाइन सेंटरों में गुणवत्तायुक्त अच्छा भोजन उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने BRD मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और CMO से कहा कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था बढ़ाई जाए, बीमारों, बुजुर्गों और बच्चों पर विशेष नज़र रखी जाए, प्राइवेट अस्पतालों में भी इमरजेंसी वाले ऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही वहां के डॉक्टर और नर्स सहित सभी पैरामेडिकल स्टाफ को भी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। लखनऊ जिले के गोसाईगंज स्थित गौरिया कला गांव में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लॉकडाउन में 2,000 रुपये की धनराशि मिलने से काफ़ी राहत पहुंची है। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के दौरान मिली इस राशि से खेती किसानी के कार्यों में उन्हें काफ़ी मदद मिली।
इन पैसों से उन्होंने पशुओं के लिए चारा और खेती का सामान लाने का काम किया। अरे सरकार के लिए हम बहुत धन्यवाद कह रहे हैं, हमको हमारे लिए पैसा भेजा है, नरेंद्र मोदी ने भेजा है, हमको बहुत बड़ी राहत मिली, धन्य धन्य। उस पैसे का सर मैंने खेती में लगाया, जो थोड़ा बहुत और बचा तो मैंने अपने घर गृहस्थ में लगा लिया, अपने हरी मिर्चा लोन तम्बाकू खाने पीने में उसमें इस्तेमाल किया। सर पैसा आया है, पैसा बहुत धन्यभाग है जो जिसने भेजा है नरेंद्र मोदी ने, और हमारे लिए समझ लियो कि लाख लाख शुक्र है नरेंद्र मोदी की तरफ से कि हमेशा मनो यही इतना मनोबल बढ़ाते रहे। और कहने का मतलब कि हम खेती में कटाई गेहूँ की कटाई में लगाएं पैसा, और थोड़ा जानवर के भूसा घासा लाएं, थोड़ा से हम समझो कि अपने खान पीन में लगा लिए। हमारे लिए बहुत अच्छा भवा कि जो नरेंद्र मोदी ने इतनी बेर पैसा भेज दिया। हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत हमका खुशी है, जब से मोदी सरकार आई है घरन घरन लेटरिंग बनी है, मोहरन टट्टी जॉब सब कुछ, हमका बड़ी खुशी, भगवान करे का और ऊपर इसे जगह छी दिए। हम मोदी के बाद बहुत ही खुश हूँ, उनका हमारे द्वारा लाख खड़ा चाहे को जा पढ़ के देख दिए। साहब को तबियत खराब हो गई, 100 मरीज हैं, निगाह कमजोर हैं, डॉक्टर खो जाए तो 150 लेते हैं, ये हम सब चले जाते हैं, कोई दिन इच्छा मांगी कुछ खा पी ले, हमने कौन साग सब्जी और ले ली हमने, 2000 का है। चित्रकूट जिले में प्रवासी मजदूरों को मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए गांव-गांव में प्रवासियों की सूची तैयार की जा रही है। इसके लिए ग्राम प्रधान और सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रवासी मजदूरों का अस्थायी राशन कार्ड बनाया जाएगा और उन्हें भी प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन और 1 किलो चना मई और जून महीने में मिलेगा। इसके साथ ही आपदा राहत के अंतर्गत तत्काल राहत के लिए आने वाले प्रवासियों को राहत किट भी दी जा रही है। लाभार्थियों ने बताया कि कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन में रोजगार बंद है, इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार मदद कर रही है, हम गरीबों को निशुल्क चावल दिया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने बताया कि आर्थिक पैकेज के तहत अन्य प्रांतों से आ रहे प्रवासी मजदूरों की राशन कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि सभी असहाय प्रवासी मजदूरों को चिन्हित करके सूची मुहैया कराएं। जिन पर पहले से राशन कार्ड नहीं है उनकी फीडिंग कराकर अस्थायी कार्ड बनाए जाएंगे ताकि कोई भी मजदूर भूखा न रहे। मोना छितिया कोल गदैया से बोली थी, एक फ्री गल्ला मिला है, 1 किलो चना मिला है, मोदी सरकार का धन्यवाद। ग्राम कोल गदैया के रहने वाली निवासी हूं, हमारे परिवार में 8 लाभार्थी हैं, इसमें से हमें 40 किलो चावल और 1 किलो चना मिला है। ये जो 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है इसके चलते कोई काम धंधा चल नहीं रहा, इसलिए खाने की दिक्कत हो रही थी, और मोदी सरकार ने हमें ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हमें राशन मुहैया कराया, इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे राशन लेने आए तो फ्री मिला है, 25 किलो चावल मिला है और इसके साथ 1 किलो चना भी मिला हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये जो राशन दिया गया है फ्री मिला हुआ है, इसके पहले पैसे से मिलता था, अब ये निःशुल्क मिल रहा है। प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद जो गरीबों की सहायता कर रहे हैं। मैं कोटा लेने आया हूँ, जो गरीब कल्याण परिवार योजना के तहत हमारे परिवार में 3 यूनिट हैं, हमें 15 किलो चावल 1 किलो चना फ्री में दिया जा रहा है, जो मोदी जी लॉकडाउन की वजह से हम लोगों को दे रही है, और हम मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी हुई है, उसके क्रम प्रदेश सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, उसमें ये किया गया है कि जो भी श्रमिक आ रहे हैं उनके लिए 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से उनको गल्ला उपलब्ध कराया जाएगा, यदि उनके पास किसी प्रकार का कोई राशन कार्ड नहीं बना है। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय के स्तर से भी एक आदेश जारी कर दिया गया है, उनका टेम्परेरी 2 महीने के लिए राशन कार्ड बनाया जाएगा और उस पर जो है बायोमेट्रिक ही गल्ला दिया जाएगा, मोटा लगा के वो गल्ला 2 महीने ले लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं।
कोरोना से बचाव के लिए मथुरा जेल के बंदियों ने अपने पारिश्रमिक से कमाए 32,000 रुपये महानिरीक्षक कारागार आनंद कुमार को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए दिए हैं। महानिरीक्षक कारागार आनंद कुमार ने जेल के निरीक्षण के बाद कहा कि जेल में पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मथुरा जेल में अधिकारियों से लेकर बंदियों तक का सैंपल भी लिया गया है। हम जेल की व्यवस्थाओं को और भी दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जेल में निश्चित मानक से अधिक बंदियों की संख्या है। ये स्थिति पूरे प्रदेश भर में है। इससे बचने के लिए बड़े स्तर पर जेलों के विस्तार की योजना चल रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 5 जिलों में जहां जेल नहीं है वहां पर नई जेल बनाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि बंदियों को आयुष मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित काढ़ा और अन्य पदार्थ दिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ स्थाई जेल में 102 अस्थाई जेल से ऑलरेडी बंदी आ चुके हैं, तो वो टेस्ट होके सैंपलिंग के बाद ही सैंपलिंग करके टेस्ट आने के बाद सब नेगेटिव आए तब यहाँ हुए। और ये दोहरी व्यवस्था है, 14 दिन वहाँ रह के आए और 14 दिन के क्वारंटीन यहाँ भी किया जा रहा है। तो 28 दिन में अगर ये सिम्टोमेटिक भी होंगे तो सिम्टम्स उभर के आ जाएंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 28 दिन में जो भी चीज़ है वो सामने आ जाएगी। दिल्ली और मुंबई से अयोध्या पहुंचे 4 युवकों ने अपने आप को खुले आसमान के नीचे आम के बाग और खेत में ही क्वारंटाइन कर लिया है। दिन में जब धूप होती है तो वो खेत वाले युवक बगल के बाग में चले जाते हैं, रात वहीं खेत और बाग में चारों गुजारते हैं। अयोध्या जनपद के ब्लॉक अमानीगंज ग्राम अछोई के 2 युवक 18 मार्च को दिल्ली रोजगार के लिए पहुँचे थे, लेकिन 4 दिन बाद ही देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। इस वजह से दोनों ने वापस अपने गांव आने का मन बना लिया और गांव के करीब पहुंचते ही अपने परिवार को फ़ोन पर सूचना दी और उनसे कहा कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए हम दोनों लोगों का बिस्तर बाग में ही दे दिया जाए और हम दोनों लोग बाग और खेतों में ही रहेंगे। ये दोनों युवक मक्के के खेत के बगल चारपाई बिछाकर खुद को खुले आसमान के नीचे क्वारंटाइन कर रहे हैं। सर, जब वहाँ से मैं आया सुबह 5 बजे यहाँ पहुँचा तो सबसे पहले मैं अपनी बैग को इसी पेड़ के पास रख के अपने स्वास्थ्य केंद्र गया और वहाँ जांच कराया। जांच करा के आके फिर इसी पेड़ के नीचे अपना स्थान बनाया और यहीं रहना शुरू कर दिया। लोगों को सर यही संदेश दूंगा, कोई भी परदेशी भाई अगर परदेश से आता है तो अपने आप को क्वारंटाइन में या तो एक कमरे में सुरक्षित रखे या तो किसी अस्थायी जगह पर सुरक्षित करे अपने घर और गांव के लोगों को। हमीरपुर जनपद की उद्योग नगरी सुमेरपुर कस्बे में संचालित कंपनियों को ऑर्डर नहीं मिलने से उनमें नकदी का संकट है। केंद्र सरकार की ओर से मेगा, लघु और सूक्ष्म कंपनियों को आर्थिक पैकेज प्रदान किए जाने से लोगों में खासी उम्मीद जगी है। उनका कहना है कि इसके बाद नकदी का संकट खत्म हो जाएगा। सुमेरपुर में कई उद्योग संचालित किए जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद इन उद्योगों को ऑर्डर न मिलने से संकट खड़ा हो गया था। मेगा कंपनियों के मनोज गुप्ता ने बताया कि ऑर्डर न मिलने से कंपनी में संकट बढ़ गया था। उद्योग बंद रहे या चालू, बिजली का बिल न्यूनतम जमा करना पड़ता है। श्रमिकों का संकट तो यहाँ नहीं है, श्रमिक पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं, लेकिन ऑर्डर न मिलने से श्रमिकों की छटनी करनी पड़ रही है। अगर इस आर्थिक पैकेज से मेगा उद्योगों ने रफ्तार पकड़ी तो छटनी किए हुए श्रमिकों को पुनः वापस ले लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री और रामपुर के पूर्व सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर नेपाल सिंह का 79 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक के कारण कल निधन हो गया। बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मुरादाबाद में स्थित उनके आवास पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। नेपाल सिंह का जन्म अलीगढ़ में हुआ था, लेकिन उनकी कर्मभूमि मुरादाबाद रही। नेपाल सिंह 5 बार शिक्षक विधायक रहे। वो सन 2014 में रामपुर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद चुने गए। राज्य में एक बार माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी रहे, लेकिन बीते 2 साल से अधिक समय से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था और कल उनकी हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। भाजपा नेता नेपाल सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने शोक व्यक्त किया है। और दिखाने ले गए थे कुमार नर्सिंग होम में, वहाँ पर उन्होंने मृत घोषित कर दिया, वहाँ से घर वापस आए। जनपद शाहजहांपुर में लॉकडाउन के दौरान बंद हो चुकी औद्योगिक इकाइयों को शासन की मंशा के अनुरूप जनपद प्रशासन ने सभी इकाइयों को दोबारा शुरू करवा दिया है।
ताकि ज़रूरतमंद वस्तुओं के उत्पादन के साथ ही इसमें काम करने वाले मजदूरों को रोज़गार मिल सके। जनपद में 250 औद्योगिक इकाइयाँ क्रियाशील हैं, इनमें से लगभग 10,000 कुशल और अकुशल श्रमिक काम करते हैं। इकाइयाँ शुरू होने से इनमें काम करने वाले मजदूर खुश नज़र आ रहे हैं। सभी इकाइयों ने काम करने वाले लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। सभी को जिलाधिकारी की अपील पर अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग बताया गया है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम ने बताया कि पिछले माह 20 तारीख को ग्रीन जोन में आने की वजह से शासन की मंशा के अनुरूप कुछ जरूरी शर्तों के साथ सभी इकाइयों को शुरू करवा दिया गया है। इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों ने बताया कि लॉकडाउन में सभी इकाइयां बंद होने से हम लोगों को काम नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से काम दोबारा शुरू हुआ है। इससे हम लोगों को काफ़ी आराम मिला है और घर चलाने में कोई परेशानी नहीं है। यार, हम हमारी कंपनी को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार काम किया जा रहा है और हम भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और इसीलिए अपना कार्य कर रहे हैं। पर कर देखते। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं तीन शब्द में दृष्टि सारी सृष्टि सारी समाए। नहीं, गड़बड़ हुआ ना, पूरा तान पूरी गड़बड़ हुई। पर खटके मुड़की कम थी। गमों का तो उठा।